This is as important for Hindus as Mecca and Medina are for Muslims. Hindu ke liye sirf ek mandir nahi hai, pura Hinduism ka dar madar hai. ये जो इतिहास है ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, क्योंकि मैं हिस्टोरियन हूँ तो मैं सिर्फ सबूत के बेसिस पे मैं लिखूँ. एंड देन इट हैपेंड इन आई थिंक 2018 आई इन अ वेरी लाइटर मोड सेड पंडित जी नेक्स्ट टाइम आई कम टेल हिम दैट आई वांट टू सी हिम इन अ टेंपल आई डोंट वांट टू सी हिम इन अ टेंट एनी मोर. ही जस्ट टर्न्ड अराउंड एंड सेड मैडम मंदिर तो नहीं बनेगा. आपके जितने भी पॉडकास्ट मैंने देखे हमेशा आपको अयोध्या इशू के बारे में पूछा जाता है. समझाइए कि इशू क्या था और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा. 1976-77 में हम लोग एक्सकवेशन के लिए गए अयोध्या में. वी वर फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी. तो हम लोगों का जो रहने की इंतजाम जो किया था वो बिल्कुल एकदम जो कॉन्ट्रोवर्शियल मस्जिद था उसके एकदम सामने था. तो हम अंदर जाके देखा जिसके ऊपर ये मस्जिद खड़ा था वो सब जो ना मंदिर के पिलर्स थे. तो सवाल ये आ जाते हैं ये आप कैसे कहेंगे ये मंदिर का पिलर है मस्जिद का पिलर है. जब एक्सकवेशन किया तो पिलर बेसिस मिल गया, जो मूर्तियाँ मिलना शुरू कर दी मस्जिद के नीचे के एरिया से. तो हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि हाँ इसके पहले एक मंदिर था और उसको जो ना तोड़ के या टूटा हुआ होगा तो उसको रीयूज़ करके ये मस्जिद बनाया. लेकिन इट वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इश्यू एट दैट टाइम. 1988 आते ही ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया. अचानक से क्यों 1988 में? वो तब तक जो है ना बाकी एक टेम्बल मूवमेंट शुरू हो गया था. जब VHP ने शुरू कर किया है उन्होंने कहा नहीं हम लोगों ने एक्सकवेट किया एंड वी हैव ऑल्सो गॉट टेम्बल पिलर्स ऑल्सो. तो उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था. लेकिन आई वॉज एट दैट टाइम इन मद्रास और मैंने एक स्टेटमेंट जो ना दे दिया है जो देना नहीं चाहिए था उस टाइम में भी खतरनाक है. प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने वहाँ एक्सकवेशन में इनको जो ना बहुत सारे मंदिर के अवशेष मिला है एंड आई वॉज ए विटनेस टू दैट वन क्योंकि मैं ही आई वॉज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सकवेशन. दिस इज एज इम्पोर्टेंट फॉर हिंदूज एज मक्का एंड मदीना आर फॉर मुस्लिम्स. And that was my statement. Hence, Muslims should have willingly handed it over for Hindu community to construct a huge Rama temple. Number two, it was against the whole Muslim communities. जो ना वो पूरा उस टाइम में बहुत powerful था उन्हीं के खिलाफ था. I think आपका intent एकदम साफ था. बहुत साफ था. But आप regret करते हो वो decision? नहीं नहीं नहीं. That was a right decision. Regret नहीं करता हूँ मैं. But आपको मुश्किलों को झेलना पड़ता. झेल अब भी झेलता हूँ. किसी भी टाइम पे मैं जो है कुछ भी हो सकता था. तो काफी सारे लोग ये मानेंगे कि आप एक गवर्नमेंट एजेंट हो. मैं गवर्नमेंट एजेंट कभी तक बीजेपी के खिलाफ खुल के बात करता हूँ. जो हालात थे रियलिटी है उसी की बात करता हूँ क्योंकि मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए था. अगर छोड़ दिया होता रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिटीज वो बहुत अच्छा होता. मुसलमानों के लिए तो सिर्फ एक मस्जिद है लेकिन हिंदू के लिए सिर्फ एक मंदिर नहीं है, पूरा हिंदुइज्म का दार मदार है. लेकिन जिस तरीके से मुझे प्रोटेक्शन इन लोगों को बीजेपी और RSS को देना चाहिए था उन लोगों ने बिल्कुल नहीं किया. इसलिए माय कंडीशन वाज वेरी डेंजरस. मैं बच गया वरना आज ये कहानी आपसे कहने के लिए मैं नहीं हूँ. अब पूरा अयोध्या इशू समझाइए क्या हुआ 1990 के बाद. 1990 के बाद जो फिर दोबारा जो एक्सकवेशन हुआ है मोर देन 50 पिलर्स की जो ना बेसिस मिल गया नीचे से. बहुत सारे आइडल्स मिले. वो जो इंस्क्रिप्शन जो मिला था उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा है दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दैट लॉर्ड विष्णु हु हैज किल 10 हेडेड पर्सन. और 10 हेडेड पर्सन कौन है? रावण. एंड हु हैड किल बाली हु इज दैट? राम श्री राम. तो इस तरीके से बहुत सारे एविडेंसेस मिल गया. इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड कम टू द डिसीजन दैट देर वॉज ए ह्यूज टेम्पल बिफोर द मॉस्क एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए वेरी गुड दिस वन ऑल्सो जजमेंट ऑल्सो. इतना अच्छा जजमेंट मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उम्मीद नहीं कर रहा था.
I have to talk about one big transition point that actually happened in Ayodhya. I was on a media trip in sometime in 2015-16. So we first visited Faizabad, and then from a place called Guptar Ghat, which is where Sri Ram took Jal Samadhi. From there, we took a boat to go to Ayodhya. So Ayodhya appeared to me from the waters of Saryu River. It just appeared slowly, the whole city and the skyline of the city, which is a beautiful skyline with all the ghats. And once I was there, we visited a couple of temples, Kanak Bhavan temple, Hanuman Gadi temple. And then we were in an ashram to have a meal. And we sat down on the floor, three of us and a couple of people who were assisting us. We sat down on the floor to have a meal on a pattal, you know, the leaf. Had the meal. I don't know what it was, while whether it was because I was touching the bhumi of Ayodhya or it was spending that couple of hours in Ayodhya, but I said, I want to visit Ram Janmabhoomi temple. And they said, no, this was not planned. I said, I know it was not planned, but I have to visit. As I was talking, my resolve was getting stronger and stronger and stronger. We went there, we walked through the streets and we reached the entrance. And at that point in time, it was a well-guarded fortress. I have never had such a stringent security check as I had at Ram Janmabhoomi place. I went inside, we went through this caged walls where the monkeys were jumping on top of us, and it almost felt like we are in a prison and they are outside. And at some point in time, I saw that people turn towards their right, do a namaskar and move on. So I assumed there must be a small temple because we have temples everywhere in India. But when I reached there, in front of me, there was this rubble. And on top of that, a tent, a very basic tent, and inside the vigrahas of Shri Ram Lala, Lakshman and Sita ji. I still clearly remember they were wearing purple shringar that day. And I had Ganga Jamuna from my eyes. I don't know where it came from. I knew everything about the place, but the moment you see them, you know, say, this is the god we invoke every time we greet somebody. In North India, they still say Sita Ram or Ram Ram. When somebody passes away, we say Ram Naam Satya Hai. And the birthplace of that Shri Ram is like he's sitting in a malba, as we call in Hindi. You know, he's sitting on a rubble with not even a structure around him. Something happened to me. And I was crying. And Pandiji was probably, used to seeing this reaction from many people. So he just gave me a reassuring look and he gave me the prasad and I walked out. And when I walked out, I was completely blank. And when I came out in the streets, back in the street, I said, I'm going to come back and write about Ayodhya. I have to do something for Ayodhya. You know, I don't know. I have to come back and study the city in detail. And then it happened in, I think, 2018. And this time I was completely prepared. I knew what I'm going to get, you know, what is there. So I was like prepared for everything. So I went in a very jovial mood and I was very happy studying an ancient place. When I stood there at the same place where Panditji gives prasad, I, in a very lighter mood, said, Panditji, next time I come, tell him that I want to see him in a temple. I don't want to see him in a tent anymore. Huh? There was a black cat commando standing there. It, you know, I don't know who he was. His face was covered. He just turned around and said, Madam, Mandir to yahi banega. And I said, you are today's Hanuman. If you are saying it, it will happen. And believe me, it happened within a year. So this was one of the major turning points. आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है। इस रिसर्च की शुरुआत कहाँ से हुई? जो सीरियस रिसर्च जिसको हम कहते हैं, वो मैंने एक्चुअली अयोध्या का जब सिलसिला हुआ तब से शुरू की। इसी टॉपिक के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या था 300 साल पहले? 300 साल पहले तो हमको पता है कि वहाँ पे एक मंदिर था और वो मंदिर बाबर ने तोड़ा। उस समय कौन जो लोग थे उनके माइंड में था कि भाई यहाँ हमारा मंदिर था। राजनीतिक शक्ति हिंदुओं के पास नहीं थी, वहाँ पे तो अवध नवाबों का शासन था। कि एक सिविलाइजेशनल मेमोरी थी कि भाई ये हमारे लिए पवित्र स्थान था। 1528 का जो हादसा हुआ वो किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा, कोई टीवी चैनल या आपके पॉडकास्ट से लोगों को नहीं पता है ना। तो ये तो
लोगों को उनको याद था। मैं डिवाइड एंड रूल और ये रिलीजन कंट्रोल्स पॉपुलेशंस के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बाबरी मस्जिद शब्द और ये मंदिर वर्सेस मस्जिद मेंटालिटी आज के ज़माने में पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड कर रही है और उस डिविजन की वजह से आई फील हमारे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ये जो इतिहास है ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं हिस्टोरियन हूँ तो अयोध्या पे जो मैंने इतने सबूत देखे तो दे ऑल पॉइंटेड टू वन साइड। आई लेट द फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्फ्स।